प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिस्सा दोम, उर्दू शायरी के दबिस्तान। उर्दू शायरी मुल्क के मुख्तलिफ मराकज़ में फली फूली, इनमें दिल्ली, लखनऊ, अजीम आबाद, रामपुर अहम मकामात हैं और इनमें से हर जगह की कुछ अहम खसूसियात हैं। इस बाब में हम इन दबस्तानों का इख्तिसार के साथ तारुफ कराते हैं। दबिस्तान दिल्ली। दिल्ली शेर व शायरी का मरकज़ तो पहले ही थी, लेकिन 1700 ईस्वी में वली के दिल्ली आने और 1719 ईस्वी में इनका दीवान यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के शोरा को, जो फ़ारसी में शेर कहते थे, एहसास हुआ कि आम बोलचाल की ज़बान से, जिसे गिरी पड़ी ज़बान समझा जाता है और जिसे रेख्ता के नाम से याद किया जाता है, इसमें भी ऐसे शेर कहे जा सकते हैं जिससे आवाम और ख़ास दोनों लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। चुनाचे इस ज़बान में जो आगे चलकर उर्दू कहलाई, शेर गोई का आगाज़ हुआ। खान आरज़ू, आबरू, हातिम, शाकिर, नाजी, मजमून, बयान, उम्मीद, मुखलिस इस दौर के ख़ास शोरा हैं। इस दौर में एहाम गोई का बहुत रवाज हो गया था और ये शायरी की तरक्की के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। एहाम गोई एक सनत है, इसमें शायर ऐसे अल्फाज बयान करता है जिनके असल मानी तक कारी का जहन मुश्किल से पहुंचता है। गोया ये एक तरह का गोरख धंधा होता है। गुजरात किसी भी ज़माने में बहमनी सल्तनत का एक हिस्सा था, लेकिन 14वीं सदी के आखिर में इसने भी एक ख़ुद मुख्तार रियासत की हैसियत अख्तियार कर ली थी। सूफिया की तालीमात के सबब यहाँ भी एक नई ज़बान वजूद में आई, जिसे कदीम उर्दू की एक शक्ल कहना बजा होगा। यहाँ हिंदवी असरात इस्लामी तालीमात में इतना ज़्यादा हैं जितने मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं। यहाँ ज़माने में जो अहम सूफी गुजरे हैं, इनमें एक अहम नाम शेख बहाउद्दीन बाजन, 1388 ईस्वी ता 1506 ईस्वी का है। इनका वतन बुरहानपुर था। मौसीकी से इन्हें बड़ा इश्क था, इसलिए बाजन तखल्लुस अख्तियार किया था। शेख बाजन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र भी किया था। खज़ाने रहमत इनकी सबसे अहम तसनीफ है, इसमें दोहे भी हैं और मुख्तलिफ इशार भी। एक मसनवी जंगनामा साढ़ी व पिशवाज भी इनसे यादगार है। इनके इशार दूसरे और जिक्रियाँ इशार में ज़िक्र खुदा दस्तियाब है और उर्दू की नशोनुमा में इनकी खिदमात का सबूत है। गुजरात के एक और अहम सूफ़ी शाह वजीहुद्दीन, इनकी कोई बाज़ाब्ता तसनीफ़ तो नहीं, लेकिन इनके मुरीदों ने इनके मलफूजात को यकजा कर दिया था। मलफूजात भी इस इलाके की आवामी बोलचाल की ज़बान में हैं। खूब मोहम्मद चिश्ती, वफात 1614 ईस्वी, गुजरात के एक सूफ़ी शायर थे। शायर इनके ज़माने में गुजरात की सल्तनत कमज़ोर हो गई थी, चुनाचे 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे फतह कर लिया। इसके 6 साल बाद यानी 1578 ईस्वी में खूब मोहम्मद चिश्ती ने मसनवी खूब तिरंग लिखी और इसमें अखलाक व तसव्वुफ़ के मसाइल हकायत की शक्ल में बयान हुए हैं। इन्होंने शुरू ही में वाज़े कर दिया था कि मैंने अपने मुर्शिद के कौल इरशादात को नज़म की शक्ल में पेश कर दिया है। इनका एक मंजूम रसाला फारसी और हिंदी अरूज के मुतल्लिक है, जिसका नाम छंद छंदा है। एक और रसाला भेदभाव इल्म बदी के बारे में है। खूब मोहम्मद चिश्ती अपने ज़बान को गुजराती कहते हैं और अरबी और अजमी को मिलाकर एक नए कर देने के दावेदार हैं, मगर इनके कलाम के मुताले से वाज़े हो जाता है कि यह भी कदीम उर्दू ही की एक शक्ल है। यहाँ बतौर नमूना एक शेर पेश किया जाता है। ज्यों मेरी बोली मुँह बात अरब अजम मिल एक संघात। 4. उर्दू शायरी शुमाली हिंद में। उर्दू की कहानी का ये पहलू बड़ा दिलचस्प है कि ये पैदा तो हुई दिल्ली और इसके गिरद नवा में, लेकिन पली बढ़ी यहाँ से दूर दक्कन में। ये तो एक हकीकत है कि शुमाली हिंद में भी उर्दू बराबर तरक्की करती रही और इसमें शायरी भी की गई, मगर संजीदगी से नहीं, सिर्फ दिल बहलाने की खातिर। अदबी ज़बान की हैसियत बदस्तूर फारसी को हासिल रही, क्योंकि इसे हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी और यही उमरा की ज़बान थी, इसलिए फारसी का इस्तेमाल तहजीब की निशानी समझा जाता था। बोल चाल के लिए अलबत्ता वो ज़बान
इस्तेमाल की जाती थी, जिसकी तरक्की याफ्ता शक्ल मौजूदा उर्दू है। ये ज़बान हर तरफ छाती जा रही थी, गोया इस वक्त तक इल्मी और अदबी ज़बान तो फारसी ही थी, लेकिन रोज़मर्रा के काम काज में इस अवामी ज़बान के सवाचारा ना था। शुमाली हिंद में उर्दू की दाग बेल तो इसी वक्त पड़ गई थी जब हज़रत अमीर खुसरू ने इसकी तरफ तवज्जो की। जैसी कुतुबन कबीर, मीरा जी और तुलसीदास और बाज़ दूसरे शायरों ने अपने अपने इलाकों की ज़बान में शायरी करके इस ज़बान का बीज बो दिया था, जिसका एक रूप खड़ी बोली कहलाया और जिसे उर्दू और हिंदी दो शाखें फूटी। लेकिन इनके बर्ग बार लाने में अभी देर थी, ताहम इसके मुंतशिर नमूने और इधर उधर मिलने लगते हैं। मसलन 17वीं सदी के आगाज़ में अफजल पानीपति ने मसनवी की शक्ल में बरकट कहानी के नाम से एक बारहमासा लिखा। जाफर जटली का उर्दू कलाम भी मौजूद है, इसका अंदाज़ ज़रीफ़ाना है और बाज़ जगह इसकी सतह बहुत पस्त हो जाती है, लेकिन जटली के कलाम की एक खसूसियत यह है कि वह अपने ज़माने के हालात का बेहतरीन मरका है। 1700 ईस्वी में वली दहली आए और लोगों ने इनका कलाम सुना तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि अवाम की मिलजुली ज़बान जो रेख्ता कहलाती है, इसमें आला दर्जे की शायरी मुमकिन है। इधर वली ने सादुल्ला गुलशन के मशरे पर दो अहम फैसले किए, एक तो ये कि फ़ारसी शायरी के मजामीन को अपनी ज़बान में अदा करना चाहिए, दूसरी फारसी के शीरें और सबक अल्फाज को अपनी शायरी में ज़्यादा जगह देना मुनासिब है। चुनाचे वली के दहली से वापस जाने के बाद 19 बरस बाद जब उनका दीवान दहली पहुंचा तो इसका अंदाज़ ही मुख्तलिफ था और वो अहले दहली के लिए ज़्यादा कशिश और लायक तवज्जो था। नतीजा ये कि हर तरफ इसकी पैरी होने लगी और शोरा फारसी रेख्ता गोई की तरफ मायल हो गए, लेकिन शुरू ही में और उर्दू शायरी इहाम गोई में मुबतला हो गई। इहाम एक सनत है, शायर अपने कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनके दो मानी होते हैं, एक मानी करीब के यानी बिल्कुल सामने के होते हैं और दूसरे मानी दूर के, पढ़ने वाले का जहन करीब के मानी की तरफ जाता है लेकिन असलियत में दूर के मानी मुराद होते हैं। मसलन एक शेर है, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आरजी मेरी जिंदगानी है। रुखसार और आरज दोनों के मानी हैं गाल, इसलिए आरजी लफ्ज़ जहन आरज़ की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ शायर की मुराद है ये गैर मुस्तकिल है। जो शायर संतों के गोरख धंधे में फंस जाता है वो इसीलिए उलझा रहता है और इसको फिक्र कम करता है कि शेर में आला दर्जे के तजुर्बात पेश किए जाएँ, इससे शायरी को नुकसान पहुँच। खान आरज़ू सनत के उस्ताद मान जाते हैं। आखिरकार इहाम गोई के ख़िलाफ़ रद्द अमल शुरू हुआ। हातिम और मिर्ज़ा मजहर इहाम गोई की मुखालफत में पेश रहे। इस दौर के अहम शोरा मदरजा ज़ेल हैं। खान आरजू 1687-88 ईस्वी ता 1756 ईस्वी। सिराजुद्दीन अली खान आरजू इस अहद के नामवर फ़ारसी शायर और आलिम थे। उर्दू में इनके सिर्फ 27 इशार दस्तियाब हैं। क्यास है कि इन्होंने और भी शेर कहे होंगे जो ज़माने के हाथों बर्बाद हो गए। इनका असल कारनामा यह है कि कई बुलंद पाया शोरा इनके दामन में तरबियत पाई और इन्हीं के ज़ेर असर उर्दू शायरी की तरफ मायल हुए। मीर ने लिखा है कि उर्दू शेर गोई के जिस फन को हमने अपनाया इसे मोतबर बनाने वाले खान आरजू ही थे। आबरू, मजमून, सौदा, मीर इनके तलामज़ा में शामिल हैं। खान आरजू आलिम होने के साथ साथ बहुत बड़े ज़हीन और शीरिन गुफ्तार थे। तज़किरा नवीसों ने इनकी हाजिर दिमागी और हाजिर जवाबी के बहुत से वाक़ियात लिखे हैं। कलाम का नमूना ये है, इस ज़ुल्फ़ सयाफ़ाम को क्या धूम पड़ी है, इस ज़ुल्फ़ सयाफ़ाम की क्या धूम पड़ी है, आईने के गुलशन में घटा झूम पड़ी है। आबरू वफात 1733 ईस्वी, नजमुद्दीन नाम शाह मुबारक और फियत और आबरू तखल्लस, ग्वालियर के सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वहीं पैदा हुए लेकिन दहली आए और फिर यहीं के हो रहे। खान आरजू से मशरा सुखन करते थे। शाही मुलाजमत के सिलसिले में कुछ दिनों नारनौल में भी रह चुके थे। आबरू की एक आंख में
پھولا تھا جسم پر حریف اکثر چوٹیں کیا کرتے تھے۔ اس عہد کے سربراہ آوردہ شورا میں آبرو کا شمار ہے۔ اس عہد کے سربر آوردہ شورا میں آبرو کا شمار ہے۔ خوشگو نے ان کے بارے میں کہا کہ آبرو اردو شاعری کی آبرو ہیں۔ احام گوئی اور رعایت لفظی ان کے کلام میں بہت ہے، لیکن جو احام گوئی اور رعایت لفظی سے خالی ہے وہ خوب ہیں۔ ان کا حسن بیان آج بھی دلوں پر اثر کرتا ہے۔ دیکھیے، آیا ہے صبح نیند سے اٹھ رمسا ہوا، آیا ہے صبح نیند سے اٹھ رمسا ہوا، جاگے گلے میں رات کا پھولوں بسا ہوا، پھرتے تھے دشت دیوانے کدھر گئے، پھرتے تھے دشت دیوانے کدھر گئے، دے عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے۔ ناجی محمد شاکر نام تھا، سپاہی پیشہ تھے، امیر خان کے سپاہ میں ملازم تھے، وطن دہلی تھا، یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ناجی نے وفات 1747 عیسوی میں کی۔ مزاج میں ظرافت بہت تھی اور ہر وقت حاضرین کو ہنساتے رہتے تھے۔ ناجی کے کلام میں ثنائے بدائے کا استعمال اتنا زیادہ ہے کہ ان کی شاعری مصنوعی اور بناوٹی معلوم ہوتی ہے۔ احام گوئی تو ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ احام کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو ان کے دیوان میں موجود نہ ہو۔ بات کہنے کا انداز پیچیدہ ہے، جیسے کلام روکھا پھیکا ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں امرود پرستی تو عام تھی، لیکن ناجی کے دیوان میں امرود پرستی کے اشعار دوسرے اشعار سے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ ناجی نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف کی طرف بھی توجہ کی، ایسے اس لیے معاشرتی حالات اور اس زمانے کے واقعات ان کی شاعری پر جاب جاب نظر آتے ہیں۔ نادر شاہ کے ہاتھوں دہلی کو تاراج ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بربادی ایک نظم میں بیان ہوئی ہے۔ بادشاہ کی بے زری کا ذکر بھی کئی جگہ کیا ہے۔ ان کے میراثیوں کا شاید بھی قابل توجہ ہیں۔ بعض خامیوں کے باوجود ان کی شاعری اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کو استوار کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ کلام کا نمونہ یہ ہے، جسے دعویٰ ہو ہم سے ہمدمی کا شعر میں ناجی، جسے دعویٰ ہو ہم سے ہمدمی کا شعر میں ناجی، اسے کہتا ہوں بارے اس طرح کی کہ ایک غزل کہلا۔ مضمون وفات 1734-35 عیسوی۔ احام گوئی کو رواج دینے والوں میں تیسرا نام شیخ شرف الدین مضمون کا ہے۔ ناجی کی طرح انہیں بھی اپنی احام گوئی پر بڑا ناز ہے۔ وہ خواجہ بابا فرید گنج شکر کے اولاد میں سے تھے اور وطن اکبر آباد تھا، لیکن عالم جوانی ہی میں دہلی چلے آئے۔ یہاں زینت المساجد میں قیام تھا، آخر دم تک یہیں رہے۔ مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو احباب ان کے گرد جمع تھے اور روز قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پر مضمون نے یہ شعر پڑھا اور دم توڑ دیا۔ شور محشر ستی وائز نہ ڈرا مضمون کو، شور محشر ستی وائز نہ ڈرا مضمون کو، ہجر کے صدمے اٹھاتا ہے قیامت کیا ہے۔ مضمون خان آرزو سے اصلاح لیتے تھے، خان آرزو بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ مضمون کے سارے دانت نزلے کی وجہ سے گر گئے تھے، اس لیے خان آرزو انہیں شاعر بیدانہ کہا کرتے تھے۔ شعر گوئی کی حوث نہ تھی، اس لیے بہت کم شعر کہے ہیں۔ شعر اسی وقت کہتے تھے جب کوئی خاص مضمون سوچتا تھا۔ ایک شعر میں اس کا اظہار بھی کیا ہے، درد دل جس طرح بیمار اٹھتا ہے کرا، درد دل سے جس طرح بیمار اٹھتا ہے کرا، اس طرح ایک شعر مضمون بھی کہی ہے گاہ گاہ۔ حاتم 1699 عیسوی پیدائش اور وفات 1783 عیسوی۔ ظہور الدین حاتم 1699 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے، سپگری کا پیشہ اختیار کیا۔ نواب امیر خان انجام کی سرکار میں ملازم تھے، کم عمری سے شاعری کی طرف مائل تھے، اس لیے کافی مشق بہم پہنچائی تھی اور اپنے زمانے کے اساتذہ میں بے شمار ہوتے تھے۔ سودا اور رنگین ان کے شاگرد تھے۔
शुरू में एहाम गोई की तरफ रुझान था, लेकिन जब इस सनत की खराबियों का अंदाज़ा हुआ तो अपने कलाम का इंतखाब करके एक मुख्तसर मजमूआ तैयार किया और इसका नाम दीवानज़ादा रखा। हातिम ने दीवानज़ादा पर दिबाचा लिखा और इस ज़बान और शायरी से मुतलक अपने ख्यालात पेश किए। इस दिबाचे से अहम मालूमात दस्तियाब होती हैं। हातिम ने 1783 ईस्वी में वफात पाई। अपनी तवील ज़िंदगी में हातिम ने बेरोज़गारी की मुसीबत भी बर्दाश्त की और दिल्ली पर नाजिल होने वाली मुसीबतों का मुशाहदा भी किया। नादिर शाह के हाथों दिल्ली पर जो क़यामत टूटी, हातिम इसके ऐनी शाहिद हैं। गालिबन यही इसबाब थे कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम इन्होंने मुलाजमत तर्क करके दरवेशी अख्तियार कर ली थी। इनके दो शेर यहाँ पेश किए जाते हैं। ज़िंदगी दर्द सर हुई हातिम कब मिलेगा मुझे पिया मेरा। हिजर की ज़िंदगी से मौत भली कि जहां सब कहें विसाल हुआ। मिल जाने जाना मजहर 1699 ता 1781 पैदाइश और 1781 वफा। असली नाम जाने जान था मगर जाने जाना के नाम से मशहूर हुए। अरबी फारसी के आलिम थे, उर्दू में भी शायरी कहते थे, मगर इनके बहुत कम इशार तस्करे के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं। बहुत बुलंद पाया सूफ़ी थे और बड़े बड़े उम्रा इनका एहतराम करते थे। शायरी का बहुत अच्छा ज़ौक रखते थे। इस नुक्ते से खूब वाकिफ़ थे कि सनाए का हद से ज़्यादा इस्तेमाल शेर की खूबी को बर्बाद कर देता है। चुनाचे हम गोई से हमेशा परहेज़ किया। मिर्ज़ा मज़हर अपने अहद के एक लायक एहतराम बुज़ुर्ग थे। बड़े आलिम और साहिब कमाल थे। हज़ारों रोहिले इनके मुरीद और मौतकद थे। नजफ ख़ान जिसे मिर्ज़ा ना पसंद करते थे, इस सूरत हाल से खौफ ज़दा हुआ। 7 मुहर्रम 1195 हिजरी को इन पर कातलाना हमला हुआ और 10 मुहर्रम को इंतकाल फरमाया। अजब नहीं कि इसे कत्ल के पीछे नजफ खान का हाथ हो। मिर्ज़ा मज़हर का एक बड़ा कारनामा है कि इन्होंने उर्दू शायरी को इहाम गोई से पाक करने में मदद की। इसे फितरी इजहार का रास्ता दिखाया। इनका कलाम शिस्ता व पर असर है। इनका एक शेर मुलाहजा हो, ये हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, यह हसरत रह गई किस किस मज़े से ज़िंदगी करते, अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागबान अपना। फ़ायज़ 1699 पैदाइश और 1713 वफात। इस अहद के एक और अहम शायर नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान फ़ायज़ हैं। ये साहिब इल्म भी थे और साहिब दौलत भी। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी ने इन्हें शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। आबरू का दीवान इनके दीवान से पहले मरतब हो चुका था। फैज़ अपने कलाम में बेलमू वली का अंदाज़ अख्तियार कर किया है और इनके कलाम में इश्क व आशिकी के मजामीन ज़्यादा हैं। अंदाज़ कलाम यह है, जब सजीले खराम करते हैं हर तरफ कत्ल आम करते हैं, मुख दिखा छब बना लबास संवार, आशकों को गुलाम करते हैं। मुदरजा बाला शोरा के अलावा भी इस दौर में कई अच्छे शायर हुए, मसलन अंजाम मतूफ़ी 1746 मोहम्मद शाह के ओहद में अलाहाबाद के सूबेदार थे, खुद आलिम व शायर थे और उलमा व शोरा की सरपरस्ती करते थे। कलाम में बेसाख्ती और रवानी के साथ दर्द व असर भी है। मिसाल के तौर पर शेर मुलाहजा हों, कल मही तेज के सदमों से पाई थी निजात, किश्ती दिल बेतरा कुछ आज दीवानी हुई, दूर से आए थे साकी सुन के मैखाने को हम, पर तरसते ही चले अब एक पैमाने को हम। मखलूक अशरफ यकीन मुबतला इस दौर के निस्बतन कम अहम शायर हैं। उर्दू शायरी की तारीख में ये दौर इस लिहाज से नहायत अहम है कि इस ज़माने में उर्दू शायरी की बुनियादें इस्तवार हुईं और मीर और सौदा जैसे शायरों के लिए मैदान हमवार हो गया।